हेलो फ्रेंड्स और हमारे प्रिय छात्रगण, एक बार फिर मैं स्वरूप सर आपका गुरुकुल के इस ऑनलाइन क्लास में स्वागत करते हैं। छात्रगण, हमारा चैप्टर जारी है झारखंड के प्रमुख शिक्षण संस्थान। इस कड़ी में हमने झारखंड के कुछ महत्वपूर्ण मेडिकल कॉलेज की चर्चा लास्ट क्लास में की थी। इसमें मैंने बताया था हॉस्पिटल फॉर मेंटल डिजीजेज रांची, रिमपास रांची, रांची आयुर्वेदिक विज्ञान संस्थान रांची, MGM मेडिकल कॉलेज जमशेदपुर, पाटलिपुत्र मेडिकल कॉलेज धनबाद। छात्रगण, इस कड़ी में हम कुछ अन्य महत्वपूर्ण मेडिकल कॉलेज जो सबसे नया खुला है उसकी चर्चा करना चाहेंगे। तो छात्रगण, इसी चिकित्सा महाविद्यालय की नोट्स को कंटिन्यू कर रहे हैं और लिखिए, उपर्युक्त चिकित्सा महाविद्यालय के अलावा हजारीबाग, दुमका और पलामू में प्रथम चरण के 3 नए मेडिकल कॉलेज स्थापित किए गए हैं। जबकि द्वितीय चरण के अंतर्गत पूर्वी सिंहभूम के चाईबासा और कोडरमा के कर्मा में मेडिकल कॉलेज की स्थापना हेतु मंजूरी की सिफारिश की गई है। नेक्स्ट पॉइंट, चिकित्सा महाविद्यालयों के साथ साथ झारखंड में 2 पशु चिकित्सा महाविद्यालय जो दोनों रांची में स्थित है तथा दो होम्योपैथिक महाविद्यालय भी स्थित है अब आप हेडिंग दीजिए, झारखंड में कृषि महाविद्यालय। हेडिंग है झारखंड में कृषि महाविद्यालय। इसमें लिखिए, झारखंड में 2 महत्वपूर्ण कृषि महाविद्यालय स्थित है 2 महत्वपूर्ण कृषि महाविद्यालय स्थित है नंबर 1 रांची कृषि महाविद्यालय जो रांची में स्थित है नंबर 1 है रांची कृषि महाविद्यालय जो रांची में स्थित है इसकी स्थापना 1955 ईस्वी में की गई थी। नंबर 2 लिखिए, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान
जो रात जो हजारी बाग के बरही में स्थित है, जो हजारी बाग के बरही में स्थित है, इसकी स्थापना 2015 ईस्वी में की गई है। उसी में इसकी स्थापना का मूल उद्देश्य, इसकी स्थापना का मूल उद्देश्य कृषि क्षेत्र में समावेशी विकास करते हुए एकीकृत कृषि प्रणाली तैयार करना है तथा इस संस्थान द्वारा पूर्वी भारत में कृषि क्रांति लाना मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट लिखिए, हेडिंग होगा झारखंड में वानिकी फॉरेस्ट्री। झारखंड में वानिकी महाविद्यालय, इसमें लिखिए झारखंड में दो महत्वपूर्ण वानिकी महाविद्यालय स्थित है। नंबर वन है फैकल्टी ऑफ फॉरेस्ट रांची। नंबर टू कॉलेज ऑफ फॉरेस्ट्री रांची। नेक्स्ट हेडिंग होगा झारखंड में विधि महाविद्यालय लॉ कॉलेज। झारखंड में विधि महाविद्यालय। इसमें लिखिए झारखंड में कुछ महत्वपूर्ण विधि महाविद्यालय स्थापित की गई है। नंबर वन छोटा नागपुर लॉ कॉलेज, जो रांची में स्थित है, इसकी स्थापना 1954 ईस्वी में की गई थी। नंबर टू धनबाद लॉ कॉलेज धनबाद में स्थित है, इसकी स्थापना 1976 ईस्वी में की गई थी। नंबर थर्ड राजेंद्र लॉ कॉलेज की स्थापना हजारीबाग में 1977 ईस्वी में की गई थी। नेक्स्ट हेडिंग दीजिए झारखंड में विशिष्ट संस्थान, हेडिंग है झारखंड में विशिष्ट संस्थान। लेकिन इसमें कुछ महत्वपूर्ण विशिष्ट संस्थान भी स्थापित है। नंबर वन
द जेवियर लेबर रिसर्च इंस्टीट्यूट XLRI, द जेवियर लेबर रिसर्च इंस्टीट्यूट XLRI शॉर्ट में है, इसकी स्थापना 1955 ईस्वी में सोसाइटी ऑफ जेसस के द्वारा, सोसाइटी ऑफ जेसस के द्वारा की गई है, जिसका मुख्यालय जमशेदपुर में स्थित है। यह भारत का सबसे पुराना बिजनेस मैनेजमेंट स्कूल है। नंबर टू, द जेवियर इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज XISS, नंबर टू है द जेवियर इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज XISS शॉर्ट फॉर्म में, देखिए इसमें, इस संस्थान की स्थापना 1955 ईस्वी में फादर माइकल विंडे के द्वारा की गई। उसी में इस संस्थान का मुख्य उद्देश्य युवक युवतियों को पर्सनल मैनेजमेंट, इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप, रूरल डेवलपमेंट एवं सोशल वर्क के लिए प्रशिक्षित कर तैयार करना है। नेक्स्ट लिखिए, नंबर थर्ड, भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट IIM, भारतीय प्रबंधन संस्थान, देखिए इसमें इस संस्थान मतलब इस IIM संस्थान की स्थापना 2010 में रांची में की गई। उसी में यह मानव संसाधन मंत्रालय भारत सरकार के दिशा निर्देश में IIM कोलकाता के सहयोग एवं झारखंड सरकार के सहयोग से संचालित हो रहा है। नेक्स्ट हेडिंग दीजिए, झारखंड में प्रशिक्षण केंद्र, इसमें लिखिए झारखंड में कुछ महत्वपूर्ण प्रशिक्षण केंद्र विभिन्न क्षेत्रों के लिए स्थापित है। जैसे नंबर वन, पुलिस ट्रेनिंग सेंटर PTC हजारीबाग,
स्थापना 1912, स्थापना 1912। नेक्स्ट, श्री कृष्ण लोक प्रशासन प्रशिक्षण संस्थान, श्री कृष्ण लोक प्रशासन प्रशिक्षण संस्थान रांची 1952। नेक्स्ट, तकनीकी प्रशिक्षण केंद्र रांची 1963। नेक्स्ट, सीमा सुरक्षा बल BSF ट्रेनिंग सेंटर, सीमा सुरक्षा बल प्रशिक्षण केंद्र एवं स्कूल हजारीबाग मेरू, स्थापना 1966। नेक्स्ट, झारखंड जुडिशियरी एकेडमी, झारखंड न्यायिक अकादमी, झारखंड न्यायिक अकादमी रांची 2002। हेडिंग दीजिए झारखंड में अन्य शिक्षा केंद्र, झारखंड के अन्य शिक्षा केंद्र देखिए। इसमें नंबर वन, नेतरहाट आवासीय विद्यालय, नेतरहाट आवासीय विद्यालय डैश देखिए लातेहार के नेतरहाट में अवस्थिति इसकी है, डैश स्थापना 1954। नेतरहाट आवासीय विद्यालय डैश देखिए लातेहार के नेतरहाट में अवस्थिति की अवस्थिति और स्थापना 1954। नेक्स्ट, सैनिक स्कूल, सैनिक स्कूल कोडरमा के तिलैया में, कोडरमा जिला के तिलैया में स्थापना 1963, स्थापना 1963। नेक्स्ट, इंदिरा गांधी आवासीय विद्यालय, इंदिरा गांधी रेसिडेंशियल स्कूल हजारीबाग में 1984, स्थापना वर्ष 1984। नेक्स्ट, राज्य ग्रामीण विकास संस्थान, राज्य ग्रामीण विकास संस्थान रांची में स्थापना 1954। नेक्स्ट, भारतीय विधि माप विज्ञान संस्थान, भारतीय विधि माप विज्ञान संस्थान, भारतीय विधि माप विज्ञान संस्थान रांची में स्थापना 1960। नेक्स्ट लिखिए, परमाणु ऊर्जा केंद्रीय विद्यालय, परमाणु ऊर्जा केंद्रीय विद्यालय पूर्वी सिंहभूम के तुमरा डी में, परमाणु ऊर्जा केंद्रीय विद्यालय पूर्वी सिंहभूम के तुरमा डी में स्थापना वर्ष 2006। नेक्स्ट लिखिए, उसी का नेक्स्ट पॉइंट, उपर्युक्त शिक्षा के केंद्रों में, उपर्युक्त शिक्षा के केंद्रों में सैनिक स्कूल तिलैया की स्थापना 16 दिसंबर 1963 ईस्वी को की गई, जिसका मुख्य उद्देश्य रक्षा सेवा के लिए मानसिक और शारीरिक स्तर पर छात्र तैयार करना है, मानसिक और शारीरिक स्तर पर छात्र तैयार करना है। नेक्स्ट पॉइंट, नेतरहाट विद्यालय की स्थापना
19 नवंबर 1954 ईस्वी को लातेहार के नेतरहाट में चार्ल्स नेपियर के द्वारा किया गया, जो गुरुकुल शिक्षा पद्धति पर आधारित यह विद्यालय देश का गौरवपूर्ण विद्यालय है। नेक्स्ट पॉइंट, झारखंड के शिक्षण संस्थानों के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण तथ्य इस प्रकार है। नंबर वन लिखिए, झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद की ओर से, राज्य के प्राथमिक एवं मध्य विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक एवं शिक्षिकाओं के लिए उजाला 1 और उजाला 2 के नाम से एक दिवसीय प्रशिक्षण प्रारंभ किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट, नंबर 2 लिखिए, झारखंड राज्य में दुमका, रांची, धनबाद तथा चाईबासा में राज्य पुस्तकालय, अवस्थित है, जबकि हजारीबाग में प्रमंडलीय पुस्तकालय स्थित है नेक्स्ट पॉइंट, राज्य के रामगढ़ जिले में प्रथम महिला अभियांत्रिकी विश्वविद्यालय, महाविद्यालय की स्थापना की गई है। नेक्स्ट पॉइंट, राज्य के खूंटी जिले में जरदाग में रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय, खोला जा रहा है। यह देश का तीसरा रक्षा विश्वविद्यालय होगा, यह देश का तीसरा रक्षा विश्वविद्यालय है। छात्रगण, आपके जेपीएससी प्रीलिम्स पेपर 2 झारखंड सामान्य ज्ञान में
झारखंड के शिक्षण संस्थान से 9 नंबर का, 6 से 9 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। इस कड़ी में हमने महत्वपूर्ण झारखंड के शिक्षण संस्थान, चाहे वो तकनीकी हो, रक्षा हो, कृषि हो, समान यूनिवर्सिटी हो, चाहे वो इंजीनियरिंग हो या सोशल क्षेत्र में हो, सभी शिक्षण संस्थानों की चर्चा जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इम्पोर्टेंस है, इसकी चर्चा हमने झारखंड के शिक्षण संस्थान के चैप्टर में किया। छात्रगण, नेक्स्ट क्लास में मैं जेपीएससी प्रीलिम्स पेपर 2 झारखंड समान ज्ञान का कुछ अन्य महत्वपूर्ण चैप्टर लेकर हाजिर होंगे। तब तक ओके।